बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको एक खबर से अपडेट करना चाहता हूँ मैं, खासकर टिकटॉक के ऊपर ये न्यूज़ वायरल हो रही है जी। एक तो दोस्तों ने मुझे स्क्रीनशॉट इसके भेजे हैं, मैंने जब देखी है तो मैंने बोला आपके साथ भी ये क्लियर कर दूँ यार, जिसमें लिखा हुआ है सऊदी अरेबिया ने भाई इस वायरस के चलते हुए नई पाबंदियाँ लगा दी हैं, जिनमें फलां फलां फलां। मैं आपको ना यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट भी साथ में दिखा रहा हूँगा, शायद यहाँ दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पर मैंने मोबाइल में ये वीडियो मेरे पास थी, आप सुन लें। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेशेनजर सऊदी अरब ने नई सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, भारत, फिलिपाइन, श्रीलंका और इंडोनेशिया इन पाबंदियों की जद में आएंगे। पांचों ममालिक से मुसाफिर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सऊदी सिविल एविएशन, ठीक है जी, ये पांच ममालिक के तकरीबन नाम लिए गए, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और फिलिपीन वगैरह का, पाकिस्तान इंडिया का बेसिकली हम नाम नोट करेंगे। ये कहा गया है कि इन ममालिक से सऊदी अरेबिया में अभी बंदे नहीं आ सकते हैं। कुछ भाई तो इसके मतलब ये भी सोच रहे थे कि भाई फ्लैट्स बंद हो गई हैं दोबारा से। तो मैं ये जब ये सोशल मीडिया के ऊपर मैंने खबर देखी है, उसके बाद मैंने जब फिर जो इनका कन्फर्म जराए हैं वहां से मैंने देखना शुरू किया है कि कहीं भाई ऐसा खुदा ना खवास्ता, अल्लाह माफ करे, दोबारा से ऐसा तो नहीं हो गया। मैं गालबन आधा घंटा वहां पर रहा, यानी कि ट्विटर इनके पेज जो है वजारत दाखिलिया वगैरह का, वजारत सेहत वगैरह का, कि वहां पर कोई भी किसी किस्म की ऐसी न्यूज अगर हो, सबसे पहले आपको बताया जी वजारत दाखिलिया की तरफ से ही ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है, फ्लैट्स बंद, ओपन, कोई भी किसी किस्म की पाबंदी है, तो वहां पर मैंने कोई भी ऐसी न्यूज नहीं देखी है। ये एक फेक न्यूज है जी, जो कि किसी बंदे ने ऐसे पिछली रिकॉर्डिंग उठाई है, उसके ऊपर न्यू आगे वीडियो लगा दी है और उसको टिकटॉक के ऊपर लगा दिया है। अब बंदे देखते जाएं, एक दूसरे के साथ शेयर करते जाएं, मुझको व्यूज मिलते जाएं या मुझको लाइक्स मिलते जाएं, बस इसलिए। और इसमें कोई भी किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान इंडिया की अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी फ्लैट्स ओपन हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ओपन ही रहेंगी, क्योंकि अभी भाई आपको पता है काफी सख्तियां शुरू कर दी गई हैं इस वायरस के केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए, यानी कि इनको तो पूरे मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला फ्लैट अभी ओपन ही रहेंगी और खासकर जनवरी तक तो ओपन ही रहेंगी, बाद में कुछ दिनों के लिए बंद की जा सकती हैं, वो भी इस वायरस के केसेस को देखते हुए।